पढ़ा बच्चे स्कूल में आने से पूर्व क्या जानते हैं, तो मैंने बताया परिवार के बारे में जानते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में उनका प्रवेश कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजों के वो संपर्क में आए, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं तीसरा है, जो बच्चे विद्यालय में आने से पूर्व परिवार और प्रवेश के अलावा तीसरी चीज वो जानते हैं, वो है आकृतियां, आकृति, फिंगर्स। देखो बच्चा का अपना संसार होता है, यानी कि बच्चे का खुद का संसार होता है। इनमें वे अपने तरीकों से अपने आसपास की चीजों का वर्गीकरण करते हैं, आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको डिवाइडेशन करते हैं। अपने आसपास में पाए जाने वाले पशु पक्षियों, वस्तुओं, बर्तनों, पुस्तकों, पेन पेंसिल है, पत्थरों हैं, अपने परिवार व समुदाय के लोगों हैं, बच्चों हैं, पेड़ पौधे हैं, चारपाई है, पलंग है, टीवी है, फ्रिज है, यातायात के साधन की आकृति की पहचान कर सकते हैं। आसपास में जितनी भी उसकी आकृतियां हैं उनको पहचान करने के कौन कौन से साधन हैं, जैसे पेड़ कौन से हैं, पौधे कौन से हैं, चारपाई कौन सी है, पलंग कौन सा है, टीवी कौन सा है, फ्रिज कौन सा है, यातायात की इनकी आकृति को पहचान सकता है, आसानी से बता सकता है। उसको बनाने के लिए कहा जाए तो उस प्रकार की आकृति बना सकता है, पेड़ की आकृति बना सकता है, चारपाई की आकृति बना सकता है, पलंग की आकृति बना सकता है, टीवी की आकृति बना सकता है, फ्रिज की आकृति बना सकता है, यातायात के जितने भी साधन है उनकी आकृति बना सकता है। वह उनके आकार के अनुसार बड़े व छोटे में विभाजित भी कर सकता है। दो आकृतियां दे दी, उनमें वो ये भी बता सकता है कौन सी आकृति बड़ी है और कौन सी छोटी है, इनको डिवाइडेशन करें। कंचे के खिलौने हैं, खेल का सामान है, कंचे के खिलौने हैं, कांच की गोलियां हैं, उनको खेलता है तो उनमें बता सकता है कितनी गोलियां हैं, उनकी आकृति कैसी है, गोल है, खेल का सामान में वो अंतर बता सकता है, बैट कौन सा है, बॉल कौन सी है, वॉलीबॉल कौन सी है, फुटबॉल कौन सी है, फिर जैसे बॉल है, बैट है, शटल है, रैकेट आदि की आकृति अनुकार के अनुसार गोले व चकोर त्रिकोण लंबी छोटी मोटी पतली श्रेणियों की पहचान कर सकता है, उन्हें बोल कर बता भी सकता है, उनके आपसी संबंधों के अपने शब्दों में व्याख्या भी कर सकता है, आकृति को बता भी सकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए तो उस आकृति को अपने शब्दों में हो इज वर्ड ही एक्सप्रेस, उनको अभिव्यक्त भी कर सकता है बोलने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को कहे पेड़ की आकृति कैसी होती है, पेड़ पौधों की आकृति कैसी होती है, चारपाई की आकृति कैसी होती है, पलंग की आकृति कैसी होती है, टीवी की आकृति कैसी होती है, फ्रिज की आकृति कैसी होती है, यातायात के साधनों की आकृति, जीप है, कार है, बस, इनकी कैसी होती है, खेल का सामान है, बैट है, बॉल है, शटल है, रैकेट है, इत्यादि, इनकी आकृति गोल होती है, चकोर होती है, तिकोनी होती है, लंबी होती है, छोटी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, इनको डिवाइडेशन कर सकता है, वो श्रेणियों में बांट सकता है, उन्हें बोलकर भी बता सकता है किसी सामने वाले को, कहे भी इनकी बता आकृति, बैठ की आकृति कैसी होती है, पलंग कौन सा छोटा है, कौन सा मोटा है, पेड़ कौन सा पतला है, कौन सा मोटा है, टीवी टीवी का क्या आकार है, इसके बारे में भी वो आसानी से बता सकता है। ये तो था आकृति व आकार की संबंध। दूसरा है वजन की संबंध, वजन की समझ। देखो बच्चा अपने आसपास के प्रवेश में उपलब्ध चीजों के बारों का अनुमान लगा सकता है, जो भी उसकी मेज है, बॉल है, रैकेट है, फुटबॉल है, पलंग है, कुर्सी है, चारपाई है, टेबल है, जो भी है उसके वजन का अनुमान लगा सकता है विद्यालय में आने से पूर्व, और यह भी बता सकता है कि कौन सी चीज वजन में भारी है और कौन सी हल्की है, इसके बारे में भी वो जानकारी दे सकता है। अपने साथियों, आस पड़ोस के जैसे सामान है, वस्तुओं के भार के अनुपात में अंतर कर सकता है, अपने साथी में कौन सा भारा है, कौन सा पतला है, अपने आसपास जो सामान पड़ा है कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, उसका आकार क्या है, उसके बारे में बच्चा आसान से एक्सप्लेन कर सकता है। यह भी बता सकता है किसका भार ज्यादा है और किसका भार कम है, हल्की चीज हवा में उड़ना भी बता सकता है, हल्की चीज है वो हवा में थोड़ी सी आंधी आई उसके साथ उड़ जाएगी, बाहर आज मान लो आंधी आने वाली है, बड़की चीज पड़ी है, वो माँ बाप को कहेगा मम्मी पापा उस सामान को अंदर ले आओ, वो उड़ सकता है, कौन सी चीजें हवा में आसानी से उड़ सकती है और कौन सी नहीं उड़ सकती, इसके बारे में वो डिफाइन एक्सप्लेन कर सकता है। चौथी चीज आती है तकनीकी ज्ञान, बच्चों में सीखने जिज्ञासा, जानना सूरज क्यों उगता है, पहाड़ों में छिप जाता है क्यों, रात क्यों होती है, दिन क्यों होती है, माँ और बाप के क्या संबंध, दादा और दादी के क्या संबंध है, इनके बारे में उसे जिज्ञासा भावना, क्षमता होती है, हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है, इतनी अद्भुत होती है बच्चों की जिज्ञासा और क्षमता, इतनी अद्भुत होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह अपने आसपास की वस्तुओं जैसे उपकरणों, संसाधनों को अपनी खोजी प्रवृत्ति से इस प्रकार देखता और परखता है, उसके बारे में संसाधन का पूरा ज्ञान होता है,
करता है, फोन दे दिया तो फोन को बड़े आसानी से उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, फौजी दिमाग लगाएगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति रखेगा कि उसको आसानी से वो सीख सकता है। बड़ा व्यक्ति है फोन सीखने के लिए कहा जाए तो उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, पर छोटा बच्चा है उसको फोन सीखने के लिए कहा झट से सीख जाएगा, मिनट लगाएगा, एक बता देगा इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा खुलेगा, कौन सा छोटू मोटू पतलू चलेगा, यूट्यूब कब चलेगा, व्हाट्सएप कब चलेगा, लोग कैसे खुलता है, एक मिनट में बता देगा। पर बड़ा आदमी नहीं बता सकता। बच्चा जैसे मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर क्या है, रेडियो क्या है, टीवी क्या है, बिजली उपकरणों का संचालन, इनका उपयोग कैसे कर सकता है, इनके बारे में भी जानकारी। वह घर के बड़ों को विभिन्न तकनीकी कार्यों को भी देखता रहता है, घर के बड़े जो भी तकनीकी कार्य करता है उनको आसानी से वो देखता रहता है। वह यह भी अवलोकन करता है और वह स्वयं की सीखने की प्रवृत्ति और तकनीकी ज्ञान को सुदृढ़ करती है। ये ज्ञान उसे विभिन्न उपकरणों को व्यवस्थित रूप में उपयोग में समझने में सहायता करते हैं। तो ये तो था बच्चा विद्यालय में आने से पूर्व क्या क्या जानता है, तो आज उसके बारे में अपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला तो है परिवार की समझ होती है, समुदाय की समझ होती है। परिवार में पापा है, माँ है, नाना है, नानी है, दादा है, चाचा है, बुआ है, व्यवहारी है, उनके आपस में कैसे संबंध है, उनके पड़ोस में रहने वालों से कैसे संबंध है, उनके अनुकूल वो व्यवहार करता है। दूसरा मैंने बताया परिवेश की समझ, परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनका किन किन चीजों के बारे में संपर्क रहता है उनके बारे में भी वो जानकारी रखता है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, नल है, घोंसले हैं, इत्यादि की बात उसे जानकारी, देना क्या है, आंधी क्या है, गर्मी क्या है, इत्यादि के बारे में जानकारी रखता है, तालाब क्या है, बावड़ी क्या है, समुद्र क्या है। ठीक है, आकृतियां वकार की समझ, बच्चों का अपना संसार होता है, वे अपने तरीकों से आकृतियां वकार बना सकते हैं, चार पेड़ की आकृति, चार पाई की आकृति, पलंग की, टीवी की आकृति, फ्रिज की, यातायात के साधनों की आकृति पहचान करता है, उसके अनुसार उसके डिवाइडेशन करता है। वजन की भी उससे समझ होती है, बच्चा अपने आसपास में भारी और हल्की वस्तुओं का आसानी से वजन भी बता सकता है। तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर है, मोबाइल क्या है, इत्यादि के बारे में, ये तो चीजें थी जिनके बारे में बच्चे को परिवार की है, परिवेश की समझ है, उसके बाद में उसे किसकी समझ है, आकृतियां वकार की है, वजन की समझ है, तकनीकी ज्ञान है, और उसके बाद में उसे क्या आगे हम पढ़ेंगे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सीखने की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये रहा सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखो सीखने की प्रक्रिया कई बार ज्यादा होती है, कई बार धीमी होती है, ऐसा क्यों होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। एक बार ओदली में आपको बता देता हूँ, सीखने की जो प्रक्रिया है उसको सीखने वाला प्रभावित करता है। अगर सीखने वाले का दिमाग ज्यादा है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी, अगर सीखने वाले का दिमाग कम है तो सीखने की प्रक्रिया की गति है वो धीमी होगी। यानी सीखने वाला उच्च बुद्धि लब्धि का है, आईक्यू लेवल 140 या 140 से वो है तो सीखने की गति क्या होगी, ज्यादा होगी। 140 या 140 से नीचे 85 से कम है, 80 सामान्य बुद्धि होती है, 90 से लेकर 100 110 के बीच में, अगर 90 से कम है तो सीखने की गति धीमी। दूसरी चीज ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सीखने वाले की रुचि, अगर कोई चीज सीखने जा रहा है उसकी सीखने में रुचि नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया की गति क्या होगी, धीमी होगी। अगर सीखने वाले की सीखने में रुचि होगी तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। तीसरी चीज आती है अभिक्षमता, सिर्फ रुचि होने से काम नहीं चलता, उसकी क्षमता है कि नहीं सीखने में, मेरी मान लो आज गणित सीखने में रुचि है, गणित सीखने के लिए मेरे को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है बैठने, 5 मिनट मेरी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, फिर मैं कहूँ गणित में मेरी रुचि है उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकता, तो मैं गणित आसानी से नहीं सीखता। संगीत है, चाहे कोई नृत्य है, कोई भी चीज सीखनी है तो उसके लिए हमें अभ्यास की। चौथी चीज आती है वातावरण, एनवायरमेंट, सीखना किन परिस्थितियों में संपन्न कराया जाता है, उस परिस्थितियां कैसी वो भी प्रभावित करती है। अगर परिस्थितियां सीखने के अनुकूल है तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र। अगर परिस्थितियां विपरीत है तो सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी, धीमी होगी। अगर आसपास का वातावरण है वो शांति में है,
आसपास का वातावरण सौहार्दपूर्ण है, आसपास का वातावरण मोटिवेटपूर्ण है, अभिप्रेरणात्मक है, सीखने की प्रक्रिया तीव्र होगी। अगर आसपास का वातावरण है शोर शराबे वाला है तो सीखने की प्रक्रिया धीमी। फिर है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम देखो, अंग्रेजी में पाठ्यक्रम कहते हैं कैरिकुलम, CURRICULM, कैरिकुलम। यानी कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैरिकुलम। पाठ्यक्रम को हिंदी डिवाइडेशन, पाठ्यक्रम कैरिकुलम शब्द है और लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से मिल करना। क्यूरर का लैटिन भाषा में अर्थ होता है दौड़ का, जिस प्रकार धावक को दौड़ में दौड़ने से पूर्व पहले ये निश्चित होता है उसे कितने मीटर दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ना है, 200 मीटर दौड़ना है, 500 मीटर दौड़ना है, कितने मुड़ पहले ही निर्धारित होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को 7 वर्ग का पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है उसे कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है और कितने समय में। हिंदी के हिसाब से देखिए पाठ्य प्लस क्रम, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य, क्रम का मतलब होता है व्यवस्थित, यानी पढ़ने योग्य सामग्री को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना ही पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता, अगर पाठ्यक्रम का निर्माण सरल से कठिन की ओर किया गया है तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी। अगर पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम का निर्माण कठिन से सरल किया, यानी कि पाठ्यक्रम की शुरुआत में कठिन बातें रखी गई है और लास्ट वाली यूनिट में कठिन बातें सरल बातें रखी गई है तो सीखने की गति क्या होगी? धीमी। ये फिर है समय सीमा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला आगे वाला कारक है समय सीमा। अगर सीखने का समय लंबा हो 3 घंटे 4 घंटे तो बच्चा उस चीज से ऊब जाएगा, थकान महसूस करेगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? अगर सीखने का समय सीमित होगा, लिमिटेड होगा, आधा घंटा घंटा, और उसके दौरान उसे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाए तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी। तो ये चीजें हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। आगे वाली यूनिट में अपने विस्तार से इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे, क्या है क्या नहीं। आज इतना ही, दैट्स ऑल है। तो ये अपने पढ़ लिया, बच्चे विद्यालय में आने से पहले क्या जानते हैं? परिवार के बारे में जानते हैं, परिवेश के बारे में जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया बच्चे क्या जानते हैं, तकनीक के बारे में जानते हैं, तकनीक के बारे में जानते हैं, वजन की उन्हें समझ होती है, आकृतियां क्या है, उनका आकार क्या है, इन चीजों के बारे में जानकारी होती है सीखने की प्रक्रिया के। पहला तो परिवार, फिर परिवार समुदाय, परिवेश, फिर उसके बाद में क्या है, फिर आकृतियां हैं वह उनकी समझ है, फिर वजन की समझ है, फिर तकनीक की ज्ञान। ये चीजें बच्चों को विद्यालय में आने से पूर्व प्रवर्तन पता होती है। तो ये चीजें जो विद्यालय प्रथम द्वार प्रवेश करता है उससे पहले परिवार में परिवेश के बारे में, वजन के बारे में, आकृतियों के बारे में, तकनीक के बारे में उसे विस्तृत रूप से जानकारी होती है। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू।